हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी पाठशाला। दिस इज सारिका सिंह। इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ मैं आर्टिकल्स के सेकंड पार्ट यानी डेफिनेट आर्टिकल्स के रूल्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको इनडेफिनेट आर्टिकल्स और उनके रूल्स के बारे में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या है? द। उसके रूल्स के बारे में यहाँ बात करेंगे। इसका फर्स्ट रूल है, व्हेन वी टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग एज ऑलरेडी मेंशन्ड, नोन और अंडर डिस्कशन। द को हम कहाँ और कब यूज करते हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी मेंशन है, यानी जिसका हम नाम लेके बात कर रहे हैं अपनी डिस्कशन में। कोई भी चीज़ है उसका नाम लेकर बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीज़ है कोई, तो उसके आगे हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक विच यू मैंशनड इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। द बुक यानी कि यहाँ पे आपने कोई बुक का नाम लेके आपने मैंशन किया हुआ है, कोई बुक है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली। आप किसी लेसन की तरफ इंडिकेट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर लेसन के बारे में बात कर रहे हो कि इस लेसन को हम केयरफुली पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ। बिफोर द सीरीज ऑफ माउंटेन्स, जो आपकी सीरीज ऑफ माउंटेन्स हैं उनके नाम के आगे भी हम क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्यास, द ईस्टर्न घाट्स। लेकिन इसी में एक आपका नोट करके एक बात है, द इज नॉट यूज्ड बिफोर द पीक्स ऑफ माउंटेन्स। जो आपके माउंटेन्स यानी जो आपके पर्वतों की चोटी होती है उनके नाम के आगे हम द का यूज नहीं करते हैं। कहाँ यूज करते हैं हम? सीरीज ऑफ माउंटेन्स में यूज करते हैं द, लेकिन चोटियों के नाम के आगे हम द का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ द माउंट एवरेस्ट अगर आप लिखोगे तो वो गलत होगा। क्या लिखना है आपको? माउंट एवरेस्ट। करेक्ट क्या है आपका? माउंट एवरेस्ट, द नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से माउंट आबू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, इन सब के नाम कैसे लिखने हैं आपको? बिना द के लिखने हैं। नेक्स्ट रूल है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, नदियों के नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा, द थेम्स, द नाइल, द कृष्णा, द एमेजॉन, द यमुना, द इंडस, द कावेरी। ये सभी नदियों के नाम के आगे आप क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है इसका, बिफोर द नेम्स ऑफ सी, ओशियंस एंड बे और गल्फ। किसी समुद्र के नाम के आगे, ओशियंस के नाम के आगे और जो आपकी खाड़ियां होती हैं उनके नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन। नेम्स ऑफ सी में देख लीजिए, द रेड सी, द अरेबियन सी, द डेड सी, द ब्लैक सी। और बे और गल्फ के नाम के आगे देख लीजिए, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ चाइना, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पर्शियन गल्फ एंड द बे ऑफ बिस्के। नेक्स्ट रूल है इसका, बिफोर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, किसी आइलैंड के नाम के आगे भी हम क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज, द निकोबार्स, द फिलिपिनेस। नेक्स्ट रूल है इसका, बिफोर द नेम्स ऑफ कैनल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स। इन सभी के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द शारदा कैनल, द अल्बर्ट कैनल, द काश्मीर प्रिंसेस, द विक्रांत, द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल। नेक्स्ट बात करते हैं, बिफोर नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जो आपकी नेशनलिटी एक्सप्रेस करते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उन वर्ड्स के आगे भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियंस, द जापानीज, द चाइनीज, द इंग्लिश, द इटालियन, द फ्रेंच, द अमेरिकन्स, द रशियंस, ठीक है? इन सभी के आगे भी हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, बिफोर रिलीजियस बुक्स, यानी कि रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले भी हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं।
For example, the Gita, the Bible, the Ramayana, the Mahabharat. Next rule है इसका before the directions. Directions के नाम के आगे भी हम the का use करते हैं, जैसे जो आपकी directions होती हैं east, west, north, south, तो इन सब के आगे भी हम क्या use करते हैं, the का use करते हैं. ठीक है. Next rule है before the religious community. जो आपकी religious community होती है उनके आगे भी हम the का use करते हैं, जैसे कि the Hindus, the Muslims, the Christians, the Sikhs. नेक्स्ट रूल है बिफोर द फिजिकल पोजिशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स. जो आपकी फिजिकल पोजिशन बताते हैं, फिजिकल पोजिशन यानी कि किस अवस्था में आप हैं इस टाइम, बैठे हैं या खड़े हैं, तो आपकी क्या है फिजिकल पोजिशन है, उन वर्ड्स के आगे भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एट द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, एट द बैक ऑफ, द फ्रंट ऑफ, द आउटसाइड. नेक्स्ट बात करते हैं बिफोर द गवर्नमेंट ब्रांचेस. गवर्नमेंट ब्रांचेस के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर, द नेवी, द आर्मी. नेक्स्ट रूल है बिफोर द हिस्टोरिकल एम्पायर. किसी हिस्टोरिकल एम्पायर के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रोमन एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द शेख एम्पायर. नेक्स्ट रूल, बिफोर द हिस्टोरिकल प्लेस. किसी हिस्टोरिकल प्लेस के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पानीपत, द व्हाइट हाउस, द काबा, द पिरामिड. नेक्स्ट रूल है इसका बिफोर हिस्टोरिकल डायनेस्टी. किसी हिस्टोरिकल डायनेस्टी से पहले भी द का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द पाल डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, द मौर्यन डायनेस्टी एंड द चोल डायनेस्टी. नेक्स्ट रूल है इसका बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद. नेक्स्ट रूल है इसका बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द डेमोक्रेटिक पार्टी. नेक्स्ट और लास्ट रूल है इसका बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नाम के पहले भी हम क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, द ढोलक, द वायलिन एंड द ट्रम्पेट. ये सभी रूल्स आपके डेफिनेट आर्टिकल द के यूज करने के रूल्स थे कि कहाँ कहाँ हम द को यूज करते हैं. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चैनल का नाम आपको पता है, अंग्रेजी पाठशाला. थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा. आपको जैसी भी लगती है वीडियो, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आप कॉमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइएगा कि हाँ आपको वीडियो कैसी लगी. अब मिलते रहेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस के साथ में. तब तक स्टे सेफ, बी हैप्पी. थैंक यू.